काली और गोरी नदी के संगम पर लगने वाला ऐतिहासिक जौलजीबी का मेला भले ही आज व्यापारिक मेले के तौर पर पहचान रखता हो, मगर इसकी शुरुआत धार्मिक मेले के रूप में हुई थी। अस्कोट रियासत के राजा उच्चपाल ने 1758 में इस मेले का आगाज किया था। राजा पुष्करपाल के शासनकाल के दौरान धार्मिक मेला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में तब्दील हो गया। पाल वंश की देन रहे जौलजीबी मेले को पिछले 146 सालों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के रूप में ख्याति मिली है, मगर इससे पूर्व भी मेले का संचालन धार्मिक मेले के तौर पर हुआ करता था। पुष्करपाल के बाद अस्कोट रियासत की गद्दी संभालने वाले गजेंद्रपाल और विक्रमपाल ने इस व्यापारिक मेले का संचालन बखूबी निभाया। युवराज टिकेंद्र के नाबालिग होने के कारण 1938 से 1947 तक अस्कोट रियासत का कामकाज अंग्रेजों के हाथ में था। 1967 में रियासत के भारत में विलय होने तक राजा टिकेंद्रपाल ने मेले का संचालन किया। मेला 1758 में शुरू हुआ था। इस मेले में जो उस समय महेंद्रपाल जी थे, उन्होंने शुरू किया था। और ये मेला मात्र जानवरों का मेला शुरू हुआ करता था। इसको औद्योगिक एक रूप देने वाले पुष्करपाल जी थे, जो 1903 या 1904 में उन्होंने इसको एक औद्योगिक रूप दिया, इसको कमर्शलाइज किया। और बरेली से, नैनीताल से, अलग अलग जगहों से, ट्रेन से उन्होंने लोगों को बुलाया। हलवाई वगैरह होते थे जो बर्तनों के, मतलब साहूकार होते थे, और उनसे ये कहा कि अगर जो जो तुम्हारा सामान नहीं बिकेगा उसको फिर मैं खरीदूंगा मेले के उपरांत। 1962 से पूर्व तिब्बती व्यापारी इस मेले में स्वतंत्र रूप से शिरकत करते थे, लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद तिब्बती व्यापारियों का जौलजीबी मेले में आना बंद हो गया। इस मेले में आज भी तिब्बती सामान की भारी डिमांड रहती है। बड़ा ऐतिहासिक मेला है। पाल वंशजों के माध्यम से भारत, नेपाल और तिब्बत के इस सौहार्द के मेले की शुरुआत की गई थी। इस मेले के अंदर तीनों क्षेत्रों के लोग अपने साल भर के लिए जो अपना व्यवसाय करते थे, उस समय रुपया पैसा नहीं होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले जाती थी, कहीं से आना जाता था, कहीं से कपड़ा जाता था, इस व्यवसाय की शुरुआत हुई थी। ये मेला उस समय भी चलता था और आज भी इस मेले को बहुत भव्य स्वरूप देने का काम किया। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत और नेपाल के व्यापारी हर साल शिरकत करते हैं। वहीं चीन से लाया गया सामान भी इस मेले में खूब बिकता है। ये मेला सीमांत लोगों के लिए आज भी सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बना है। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।